तो आप लोग को स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को अपडेट करेंगे NTA CUET UG का आप लोग को सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट, यानी कि आप लोग को एग्ज़ाम शेड्यूल क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें आप लोग को दिया गया एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग और साथ साथ आप लोग को जो भी सब्जेक्ट वाइज आप लोग को एग्ज़ाम देना है उसका पूरा शेड्यूल निकाल दिया गया। तो देख सकते हैं एग्जामिनेशन CUET UG 2024 डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 15 मई 2024 एंड 15 मई 2024 आप लोग इसी बीच में आप लोग CUET एग्ज़ाम होना है। तो आप लोगों को पता ही है कि 63 टेस्ट पेपर आप लोगों को होता है इसमें। तो चलिए आप लोगों को टू द पॉइंट आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है आप लोगों को शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे A to Z जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए जानकारी देने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिले। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में आप लोगों का होगा, जिस ऑफलाइन मोड में ही आप लोगों का होगा और ऑनलाइन में ही होगा। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उसका आप लोगों का ऑफलाइन होगा, जिसमें कम होंगे उसका क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे 15 मई को आप लोगों जो एग्ज़ाम होने वाली है वह शिफ्ट 1:10 बजे से आप लोगों का होगा, 10 से 11 बजे 60 मिनट का आप लोग का टाइम रहेगा और टेस्ट पेपर कोड 306 केमिस्ट्री का पेपर है। और शिफ्ट ब्रेक होने के बाद शिफ्ट 1B 12:15 से 1 बजे तक आप लोगों का 45 मिनट बायोलॉजी का। उसके बाद आप लोग देखेंगे शिफ्ट 2A 15 अगला जो 1 से 1 है इंग्लिश पेपर होगा। ये सब आप लोगों का शिफ्ट वाइज आप लोगों को दिया गया। वही आप लोगों को बता दें कि 16 मई को जो पेपर होने वाली है उसका आप लोग देख सकते हैं हिंदी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी आप लोग का होगा और अंतिम में फिजिकल एजुकेशन होगा। अगला देखेंगे 17 मई को तो ये सब पेपर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, हिस्ट्री और 18 मई का आप लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी का आप लोग का पेपर होगा। तब बात करेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 21 मई को भी आप लोग को दिया गया ये सब आप लोग का सब्जेक्ट का होगा पेपर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से इजिली आप लोग PDF देख लीजिएगा आप लोग का कौन दिन कौन सा पेपर का आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड आप लोगों के एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाता है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट। अगर आप लोग की यह जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।